आज के अपने होम गैजेट्स वाले प्रोडक्ट्स डायरेक्टली सब्सक्राइबर्स के थ्रू पिक किए गए हैं, क्योंकि आप लोग जो हम लोग कमेंट्स में बताते हो, लिंक्स के थ्रू भेजते हो और जो फीडबैक फॉर्म में आते हैं उन्हीं के थ्रू ये डायरेक्टली पिक किए गए हैं। और मैं भी ऐसा बिलीव करता हूँ, जो भी हम लोग के सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स बताते हैं उनको थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए और आप लोग के सजेशन पे ये प्रोडक्ट्स आए। और सच बताऊँ तो चैनल भी ऐसे ही चलता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। तो यार और हम क्या करें, तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट देखते हैं। हाँ यार, जो हम लोग का चलो पहला आराम से आज जिंदा छोड़ने में वो। हाँ यार, जो हम लोग का पहला प्रोडक्ट है वो है एक स्मार्ट डोर बेल। तो भाई ऐसी चीज़ ना मैंने नहीं देखी थी, बट भाई इंटरेस्टिंग तो है। तो ये एक कुछ ऐसी डोर बेल आती है। और क्या है इसके साथ भाई, सिर्फ मैनुअल आया है। तो ये ब्लिट्स वुल्फ कंपनी की है। इनका एक खासियत है, ये प्रोडक्ट पे कुछ नहीं बताते क्या है क्या चीज़ है, कुछ नहीं बताते। तो बस इन पे सिर्फ मार्किंग रहती है, बट प्रोडक्ट इनके हमेशा अच्छे होते हैं। तो यार ये कुछ ऐसी स्मार्ट डोर बेल है। और इसमें एक बार ये साइड में देखना, यहाँ पे तीन बटन है, एक सेंटर वाला वायरलेस पेयरिंग के लिए, फिर साउंड और ये वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए भी है। तो यार इसकी एक ऐप भी आती है जिससे आप लोग डायरेक्टली पेयर कर सकते हो, ब्लिट्स वुल्फ की ऐप है ये। तो इसमें कैसा रहता है ना, बस आप लोगों को जो भी आपका डिवाइस है वो अपने आप ही स्कैन कर लेता है। एंड मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे शो हो रहा है, पेयर हो चुका है। चलो इसे ऑन भी कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इसमें जो फीचर्स है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ भाई। एक तो इसमें जो ये चीज़ है ना, ये पूरा एक सेंसर है, ठीक है। एंड जो टॉप वाला पार्ट है ये स्पीकर है। तो ये सेंसर्स के थ्रू क्या हो सकता है कि कोई भी आपके ऐसे मान लो डोर के सामने आया तो ये खुद से ग्रीटिंग मैसेज इसमें आता है। तो फिर इसमें ना ये सब आप लोग फ़ोन से पे कर सकते हो। तो यार वैसे तो इसमें बैटरी 300 mAh की है, बट हम लोग अभी कनेक्ट कर देते हैं, इसमें थोड़ा लो बैटरी है। तो कुछ इस तरह से आप लोग इसे चार्ज भी कर सकते हो माइक्रो USB के थ्रू। यहाँ पे इसका ये चार्जिंग पोर्ट है। ऑलराइट, तो ये सेटअप भी हो चुकी है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो ये जो ग्रीटिंग मैसेज है ना, ये ग्रीटिंग वाले पे मैं टैप कर देता हूँ। तो बेसिकली कोई भी अब ये डोरबेल के सामने आएगा ना, तो फिर यहाँ पे ये ग्रीट करेगा। तो सेंसर से ये कर लेते हैं नोटिस, कहाँ गए सेंसर। तो यार कोई भी चीज़ जैसे सेंसर के सामने आता है ना कोई इंसान, तो ये वहाँ पे जाके हाँ, तो ऐसे करके वेलकम साउंड आता है। ऑलराइट, तो फिर ग्रीटिंग के मोड्स भी दो हैं, एक तो ये नॉर्मल ग्रीटिंग हो गया, उसके बाद यार यहाँ पे एक स्मार्ट ग्रीटिंग है। मींस कि एक बार इंसान आ गया और सामने बार बार कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो बस एक ही बार ग्रीट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो बार बार आवाज नहीं आएगी। अरे बस कर भाई। तो सिंगल ग्रीटिंग आती है। एंड उसके साथ साथ इसमें जो अलार्म्स हैं आप लोग देख सकते हो, तो अभी जैसे ये एक्टिवेट है, तो फिर जैसे ही आप इसे डिसआर्म कर दोगे ना, तो यहाँ पे ये ऑफ हो जाती है और कोई भी सामने आता है तो कुछ भी साउंड नहीं करेगा, यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। बट इसमें ना अगर मान लो आप लोग बाहर हो, तो एक ऑप्शन मिलता है आप लोगों को, उसका नाम है अवे आर्म। तो जैसे ये एक्टिवेट कर दोगे ना, तो यार कोई भी जब सामने आता है तो समझ गए आप लोग, यहाँ पे चेक। ऑलराइट, तो फिर कुछ इस तरह से सायरन बजने लगेगा और आप लोग कंटिन्यूअसली आप लोगों के फ़ोन पे ना नोटिफिकेशन आएंगे। तो आप लोग देख सकते हो यार कितने सारे रेगुलर नोटिफिकेशन ये भेजता है, उसमें तो कोई कमी नहीं है भाई, ठीक है, नोटिफिकेशन में। तो ये इसका एक चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग इसके पास ही हो गए तब भी जाके फ़ोन कनेक्ट होता है, ये वाईफाई के थ्रू डायरेक्ट पेयरिंग हो जाती है। मतलब आप लोग बाहर भी चले गए तो ये डिवाइस ना आप लोगों के घर के वाईफाई से कनेक्टेड है, तो कहीं पे भी वो पूरे वर्ल्ड में, बस आपके फ़ोन में नेट होना चाहिए और इसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहेंगे कोई भी विजिटर सामने आया, और ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो होम गार्ड भी है बेसिकली, अगर आप लोग घर पे अकेले हो, ठीक है, तो फिर अगर आप लोगों को चाहिए कोई आए ना रात का टाइम है, तो ये होम गार्ड भी आप लोग ऑन कर सकते हो। एंड उसके सामने भी जैसे कोई आता है फिर से ये एक्टिवेट हो जाएगा। प्लस इसमें एक पैनिक बटन भी है, तो पैनिक बटन बेसिकली डायरेक्ट सायरन बजा देता है। तो फिर इससे ये है कि भाई आप लोगों के आसपास चोर पहले से आ चुका है, तो फिर आप लोग ये बजा दो, तो फिर ऐसा है कि साउंड बजता रहेगा, मतलब चांसेस चोर की थोड़ी फट जाए, नहीं फटेगी तो मतलब एटलीस्ट और लोगों को पता चलेगा कि भाई कुछ इमरजेंसी है इधर। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है यार। इसमें ना पता है कैमरा होता ना तो मज़ा ही आ जाता, तो इसमें कैमरा नहीं है, इसी रीज़न के थोड़ा सा सस्ता भी है। तो जो एग्जैक्ट प्राइसेस रहेंगे भाई, एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना उसके लिए, क्योंकि क्या है ये कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, सेलर कर देते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक सारे रहेंगे। बट ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है यार, और ये मैं ये तो कह सकता हूँ नॉर्मल डोरबेल से तो एडवांस ही है ये। तो अब मान लो किसी का कुछ बंगलो टाइप है जिसमें मल्टीपल एंट्रेंस रहते हैं ना घर में घुसने के, वहाँ पे आप लोग दो तीन डोर्स पे, जो भी आप लोग इतने यूजुअली आप लोग नहीं आता है कोई, तो वहाँ पे लगा सकते हो, तो फिर सिक्योरिटी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यार जैसे हम ये इंटरेस्टिंग होम टेक गैजेट्स देख रहे हैं, कितना अच्छा होगा कि अगर हम लोगों को ये होम अप्लायंसेस पे, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिले। तो मतलब हम लोगों को परचेज तो कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ता है, बट अगर आप लोगों को अमेजिंग ऑफर्स मिलेंगे तो और अच्छा है। और ये वेल नोन स्टोर आप लोग जानते हो भी उसके बारे में, ये है क्रोमा गाइस। क्रोमा यार अपना वही टाटा का ब्रांड है, रतन टाटा का भाई, उनके लिए तो बहुत रिस्पेक्ट भी है। तो क्रोमा के स्टोर्स तो हम सबको पता है,
बट क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट भी है एंड इट वॉज लॉन्च इन 2006, तो वहाँ से जाके भी आप लोग मल्टीपल टॉप लीडिंग ब्रांड्स के प्रोडक्ट ना अच्छे प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज कर सकते हो। आप लोग ऑनलाइन स्टोर पे कोई भी प्रोडक्ट पेज पे जाते हो तो वहीं पे आप लोगों को जो भी बेस्ट ऑफर्स और जो बैंक के ऑफर्स है, डिस्काउंट्स है, सब वहीं पे शो हो जाएंगे। एंड गाइज, ये जो ऑफर्स डिस्काउंट है ना, ये दोनों जगह मिलते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स में भी मिल जाएंगे आप लोगों को, ऑनलाइन भी मिलते हैं। और वही मुझे क्रोमा का अच्छा लगता है कि आप लोगों को बढ़िया डिस्काउंट हमेशा देता है, तो जाके आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और मतलब यहाँ पे सारी कैटेगरी से गैजेट्स कवर्ड है, सिर्फ एक दो नहीं, जैसे स्मार्टफोन, टीवी से लेके आप लोगों को यहाँ पे ग्रूमिंग गैजेट्स मिल जाएंगे, हेल्थ एंड फिटनेस मिल जाएगा, प्लस गेमिंग गैजेट्स भी मिल जाते हैं। तो यार सारी कैटेगरीज कवर्ड है, इसके लिए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जाके बढ़िया डिस्काउंट्स अवेल करो और क्रोमा से जाके परचेज कर सकते हो जो भी आप लोगों को अच्छे होम अप्लायंसेस परचेज करने हैं। चलो हम लोग टेक गैजेट्स देख ही रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। चलो जी, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ब्रिलो 3। ये एक लाइट लैंप है बट एक स्पेशल फीचर के साथ। तो ये बेसिकली आप लोग घर पे पढ़ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो एक स्पेशल असेंशियल होम गैजेट्स में आ जाता है ये भी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या निकलता है। ओ भाई, पैकेजिंग तो सही लग रही है। ऑलराइट, तो इसमें आता है ये मेन प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली एक स्टडी लैम्प प्लस नाइट लैम्प, जो भी आप लोगों को चाहिए, डेस्क लैम्प आप लोगों के लिए रेडी है ये। तो भाई ये कुछ ऐसा साइज में आता है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी नहीं है, बट आप लोग इसे डायरेक्टली यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके साथ ही इन लोगों ने दे रखा है माइक्रो यूएसबी केबल, हम लोग कर लेते हैं फटाफट कनेक्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। और बस यार इसमें बैक साइड में ना एक बटन है, ये बटन भी नहीं है, सिर्फ एक टच सेंसर है। तो आप लोग देखो ना, बस सिंपली प्यार से भाई बस टच करो, और इसमें ऐसे कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट एक आप लोगों को थोड़ा वार्म लाइट मिल जाती है, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल अपना ब्राइट लाइट वाइट। वो ये वाला मस्त है ना, ये एकदम बहुत कम लाइट है, एकदम मिनिमल लाइट है। तो ये बेसिकली आप लोगों का नाइट लैम्प है, एकदम कम लाइट का। तो इसमें ऐसे तीन मोड्स मिलते हैं, वार्म, वाइट और एकदम नाइट मोड वाला। तो यार ये चीज़ तो है ही इसमें, बट इसके साथ आप लोगों को इसमें वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। तो ये जो आप लोग पूरा बेस देख रहे हो ना, ये एक एक्चुअली में वायरलेस चार्जर है। तो मैं जैसे यहाँ पे अपना फ़ोन रखता हूँ, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो गई है एंड यार यहाँ पे चार्ज भी हो जाएगा आप लोगों का फ़ोन। तो अब जो भी आपके फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, उसमें एक आप लोगों को ये है कि भाई नाइट लैम्प के नीचे भी रख दिया तो भी चार्ज हो रहा है बढ़िया। और उसके साथ साथ अगर थोड़ी पढ़ाई वगैरह करनी है, बस पीछे प्यार से टच करो। अरे वाह, लाइट बढ़िया, फोटो वोटो खींच ले क्या? तो जो एक्चुअली में जो उसके फ्रंट में ये जो कवर है ना, ये एक एक्चुअली बटर पेपर का काम कर रहा है। हम लोग एक्चुअली लगाते हैं जब स्टूडियो में लगाना होता है ना, तो थोड़ा सा लाइट डिफ्यूज़ करने के लिए, अच्छे से पूरा ओवरऑल जाए, इसलिए लगाते हैं। बट भाई इफेक्ट सही दे रहा है, हम लोग स्टूडियो में कमाए गए। एंड ऐसे तो जो भी आप कुछ भी डेस्क वर्क कर रहे हो उसके लिए तो बहुत सूटेबल है ये। और लाइट भी मेरे को अच्छा लगा, मतलब ऐसे मैं सामने भी रख लूँ ना तो भी मतलब इतना ज़्यादा शार्प नहीं है कि भाई आँखों से ऐसे आंसू आ जाए, बट अच्छा खासा नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो ब्राइट अच्छा है। तो मतलब ब्राइटनेस में कुछ कमी भी नहीं है, और जो कैप लगा हुआ है उसकी वजह से इतना ज़्यादा आप लोगों की आँखों पर भी चुभेगा नहीं, तो परफेक्ट है। और जब ये अप्लायंसेस जलाने की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को भाई कनेक्शन भी तो चाहिए। तो उसके लिए एक बढ़िया हम लोगों ने एक पावर प्लेट 9 मंगाया था। तो ये एक्चुअली कैसा है ना कि एक सिंगल जगह पे आप लोगों को बहुत सारे पोर्ट्स दे देता है, बढ़िया, तो बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। एंड यार स्टूडियो या फिर कुछ भी आप लोगों के घर में ना, हमेशा एक एक्सटेंडर की तो ज़रूरत रहती है। तो यार अच्छी खासी पावर है, 2500 वाट का ये पावर आउटपुट दे सकता है। और यार इसका डिज़ाइन भी मेरे को बहुत सही लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसे उठ जाता है, ओहो मस्त। तो ऐसे करके आप लोग कैरी कर सकते हो। इसको हम लोग कर देते हैं बंद एंड यहाँ से कर लेते हैं कनेक्ट। हम लोगों के पास भाई एक्सटेंडर्स बहुत हो गया यूट्यूब में दिखा दिखा के। चलो एक्सटेंडर से एक और एक्सटेंडर लगा लेते हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे ना भाई तीन बटन्स भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फर्स्ट बटन प्रेस करते हो तो ऊपर का ये जो पूरा एक रो है ये एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद नीचे वाला रो इससे एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल कितने सॉकेट्स हो गए हमारे पास, टोटल 8 सॉकेट तो भाई यहीं हो गए, ठीक है। और ये सारे के सारे ना इंटरनेशनल पोर्ट सॉकेट है, तो बेसिकली कोई भी आप लोग यूरोपियन पोर्ट वाला भी कुछ रहेगा वो सब भी इसमें लग जाएगा। नॉर्मल हमारे प्लग्स तो सारे लग जाएंगे इसमें, 3 पिन 2 पिन वो सारे हो जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ एक यहाँ पे इन लोगों ने साइड में भी बटन दिया है, तो ये आप लोगों का नॉर्मल यूएसबी पोर्ट है, तो ये भी लगा के देख लेते एक बार। तो ठीक है यार, बस कनेक्ट करके देख लेते, अगर ये चल गया तो फिर हम लोगों का तो ये वर्क कर ही रहा है। हाँ, तो परफेक्टली वर्क करता है ये। और ये मुझे सही लगता है कि मतलब आजकल एक्सटेंडर में ना ये लोग यूएसबी पोर्ट्स पहले से लगा के देते हैं, तो भैया जो भी यूएसबी वाले कनेक्शन है उसके लिए अडाप्टर लाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना यूएसबी केबल लो और यहाँ पर डायरेक्टली लगा दो, जो भी छोटे मोटे डिवाइसेस में चार्जिंग वगैरह करना है उसके लिए सही रहता है। तो एक अच्छा एक्सटेंडर अगर कोई ढूंढ रहा था तो डेफिनेटली आप लोग ये चेकआउट कर सकते हो। एंड हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई जो एक्सटेंडर कोई लेता है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसका वायर का लेंथ कितना है।
तो इसमें आपको वायर का लेंथ कुछ 3 meters तक का मिल जाता है, तो 3 meters इज मोर देन इनफ। आप लोग आराम से मतलब एक दूसरे रूम के दूसरे कॉर्नर से यहाँ तक दूसरे कॉर्नर तक पहुँच जाता है ये आराम से। और यार इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दोनों ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो छोटा सा फ्यूज़ है भाई, तो इसलिए यहाँ पे ये लोग लगा के देते हैं प्रोटेक्शन। तो डेफिनेटली कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ घर पे तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बस इसका फ्यूज़ आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा बाद। ठीक है भाई, जो अपना अगला प्रोडक्ट है ये तो भाई मैंने डायरेक्टली आप लोगों के कमेंट से पिक किया था, किसी का सजेशन ही था। तो इसका नाम है यार स्टार मास्टर। तो ये यार आप लोगों को वैसे रात में तो तारे सभी देख सकते हैं, ये दिन में भी तारे दिखा देगा। तो कुछ ऐसा इसका बॉक्स है, एंड चलो डायरेक्टली इसको स्टार्ट करते हैं। वो तो कुछ इसका कैप था ऐसा यार, और यहाँ पे ये फ्रंट में इसमें स्टार्स है, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली लाइट वगैरह भी है। तो यार इसमें बैटरीज तो यहाँ से आप लोग डाल सकते हो, वरना अल्टरनेटिव भी दे रखा है इन लोगों ने, एक डायरेक्टली केबल प्रोवाइड किया है भाई। ये नोकिया वाली पिन लग रही है, नहीं तो कुछ ऐसी पिन है जो कि USB से चलेगी। तो भाई कर लेते हैं कनेक्ट। ओहो अब मज़ा आएगा, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। चलता है क्या, पहले तो ये दिखना है, नहीं चला। सर केबल के थ्रू तो कुछ इशू कर रहा था, बट हम लोगों ने बैटरीज लगा दी, अभी देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है। चलो जी, तो यहाँ पे ना ABC दे रखा है भाई, कुछ ज़्यादा बताया नहीं क्या है, बस मैं दबाता हूँ। ओके सी से ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ है, एंड बी दबाता हूँ। ओ भाई लाइट्स आ गई हैं। अभी एक चीज़ हम लोगों को करनी पड़ेगी, यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी इफेक्ट्स देखने के लिए। तो यार लाइट्स ऑफ कर लेते हैं। ओ भाई व्यू तो बहुत मस्त है वो। अब भाई आप लोग मेरी बॉडी पे देख सकते हो कितने सही इफेक्ट्स आ रहे हैं, एंड मैं अभी यहाँ पे थोड़े थोड़े इफेक्ट्स चेंज करना स्टार्ट करता हूँ तो मज़ा आएगा। ओ नाइस। ओ यहाँ पे ये क्या है, ये एक अलग लाइट है, ये वाइट लाइट है, एंड यहाँ पे ये मल्टीपल कलर्स वाले लाइट्स है। भाई 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 क्या सारे सही इफेक्ट्स है यार। गाइज मैं यूट्यूब करने के बाद रात में 9 से 12 आपका भविष्य बताता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को ये चैनल पे ये नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। तो यार आप लोगों ने देखा लाइट्स ऑफ करते ही बहुत अच्छा इफेक्ट आया था, ऑन करने से कुछ पता नहीं चलता क्या है ये चीज़। लेकिन यार लाइट्स ऑफ करते ही रूम का भाई पूरे नज़ारे ही चेंज हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट मैंने कुछ 500-600 रुपये के अंदर मंगाया था, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई बहुत सही निकलेगा, बट भाई अच्छा खासा निकल गया। और उसमें फीचर्स भी हैं, लाइट्स भी बढ़िया बढ़िया हैं, हाँ डिफरेंट मोड्स है। प्लस ये जो रोटेशन है ना ये आप स्टॉप भी कर सकते हो, मतलब एक जगह पे आप लोगों को नॉर्मल स्टार्स देखने हैं जो मूव ना हो तो ऐसे कर सकते हो, वरना ये रोटेशन स्टार्ट भी कर सकते हो। बस इसका थोड़ा हम लोगों को वायर का इशू लगा, अभी मुझे पता नहीं कि मेरे वाले प्रोडक्ट में आया है, बट या सब में आता है। लेकिन आप लोगों का बैटरी से तो आराम से चल जाएगा यार, तो ऐसा भी है कि मूविंग भी आराम से कहीं पर भी लेके जाओ, बढ़िया बढ़िया। यार इसके अंदर देखो कितना सही व्यू आ रहा है, अगर कवर कर दे तो कुछ ऐसा व्यू आता है। हाँ तो अभी अगर इसका कवर लगा दे तो कुछ ऐसा व्यू आता है। तो ठीक है जी, यही थे हम लोगों के इस वीडियो के सारे प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली आप लोग हम लोगों को बताना है कौन सा आपका इसमें से फेवरेट था, और सबके प्राइस जो भी डिस्काउंट है वो सब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। प्लस जब डिस्काउंट्स की बात कर रहे हैं तो यार उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल डेडिकेटेड चैनल बनाया टेलीग्राम पे, तो जब भी आप लोगों को अच्छी डील्स होती है अमेजॉन फ्लिपकार्ट की, बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट सब आप लोगों को डेली पता चल जाते हैं वहाँ पे। काउंटिंग यूनिक वो चैनल का नाम भी है। उस चैनल को बनाने का पर्पस ही ये था कि जो भी भाई अच्छे डील्स डिस्काउंट में आएंगी वो आप लोगों को डेली बता पाए, तो हमारे जो वीडियो के प्रोडक्ट्स रहते हैं ना वो भी आप लोगों को पता चल जाते हैं कब अच्छा डिस्काउंट पे है या फिर कोई सेल आ रही है अमेजॉन की, तो जाके उधर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को मन करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उधर थोड़ा अलग कंटेंट डालते हैं। चलो गाइस दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। और लाइट भी मेरे को अच्छा लगा, मतलब वैसे अगर मैं सामने भी रखूँगा